मिलिंद सोमन की वाइल्ड कार्ड एंट्री, कंगना की जेल में सुपर मॉडल बनेंगे कैदी। रियलिटी शो लॉकअप में इन दिनों लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। शो अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है। शो में करण कुंद्रा जेलर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कंटेस्टेंट्स के नाक में दम कर रखा है। कैदियों पर जमकर अत्याचार भी किया जा रहा है। अब शो को लेकर दर्शकों की उत्सुकता इसलिए भी बढ़ गई है कि इसमें अब वाइल्ड कार्ड एंट्री दिखाई जाने वाली है, यानी एक और दमदार कैदी की एंट्री हो सकती है और ये कोई और नहीं बल्कि सुपर मॉडल मिलिंद सोमन होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है। मेकर्स द्वारा जारी किए गए पोस्टर में एक नकाबपोश कैदी दिखाई दे रहा है और ये बताया गया है कि जल्द ही 14वें कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। वाइल्ड कार्ड का इशारा तो हो गया है, लेकिन कैदी की पहचान को उजागर नहीं किया गया है। वैसे कमेंट सेक्शन में फैंस काफी अंदाजा लगा रहे हैं, कोई इसे उमर रियाज तो कोई प्रतीक सहजपाल बता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो लिया गया है वो है मिलिंद सोमन का। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलिंद सोमन की एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें कि मिलिंद सोमन को सुपर मॉडल के तौर पर पहचाना जाता है और वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। उनकी मैराथन रनिंग काफी पॉपुलर है। वो तब विवादों में आ गए थे जब उन्होंने अपने से बेहद कम उम्र की लड़की से शादी की थी। उन्होंने साल 2018 में कविता कुंवर के साथ शादी कर ली थी। मिलिंद सोमन पिछले काफी समय से फिल्मी दुनिया से भी दूर हैं, लेकिन वो फिल्म लकड़बग्घा से बॉलीवुड में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वो बंगाली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। लॉकअप में बतौर कैदी उनके आने की खबर सामने आ रही है। अगर ये सच साबित हुआ तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी कैदियों के साथ उनकी ट्यूनिंग कैसी होती है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।